नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे वीके न्यूज एमपी। मंदिर हो या मस्जिद, लोग यहाँ पर मत्था टेकने और दुआएं पढ़ने जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये जगह दुनिया की सबसे पवित्र और नेक जगह होती है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी लोग जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन हम आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर शायद आप चौंक जाए, क्योंकि अगर भगवान और अल्लाह का दर ही सुरक्षित ना रहे तो फिर क्या होगा। ऐसे एक शर्मसार कर देने वाला मामला जबलपुर के ओमती जिले से सामने आ रहा है, जहाँ पर दरगाह का मौलवी ही बन गया दरिंदा। ये मामला दो किशोरियों से छेड़छाड़ करने वाला है। ये हरकत किसी और ने नहीं, दरगाह के मौलवी ने की। उसकी उम्र 70 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शिकायत करने पर फकीर ने पीड़ित परिवार को धमकी देकर भगा दिया। तभी परिवार दोनों लड़कियों को लेकर दमोह चले गए। बाद में जबलपुर आकर परिवार ने फकीर के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक सोमवार को दमोह और सागर निवासी 13 और 17 साल की किशोरियों ने शिकायत दर्ज कराई थी। 25 जुलाई को वह अपनी अपनी मां के साथ मशीन वाले मौलवी की दरगाह में इबादत करने गई थी। दरगाह में मौजूद फकीर मोहम्मद शरीफ उर्फ गम्मू कजरा दोनों को नीचे वाले दरगाह में जियायत के लिए ले गया। वह फकीर ने दोनों से छेड़छाड़ की। किशोरियों ने शोर मचाया तो आरोपी ने दोनों किशोरियों और उनकी मां को जान से मारने की धमकी दी। वह किशोरियों ने संबंध में अपने मामा और नाना को जानकारी दी। आरोपी ने वहां पहुंचकर भी परिवार को धमका दिया, जिसके बाद परिवार अपनी बच्चियों को वापस लेकर चला गया। वहां से उन्होंने दरगाह के पास रहने वाले मोहम्मद फिकुद्दीन को इसके बारे में बताया। फिकुद्दीन ने पीड़ित परिवार को शहर बुलाया और FIR दर्ज कराने के लिए कहा। इसके बाद परिवार सोमवार को जबलपुर आया और दोनों पीड़ित किशोरियों की ओर से ओमती थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी फकीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फकीर पहले भी ऐसे जुर्म के मामले में जेल जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद दरगाह कमेटी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। ऐसी खबर काफी बार सामने आती है जब मौलवी दरिंदा बन जाता और किसी को नहीं छोड़ता। साथ ही अब इस खबर ने साबित कर दिया कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि इन्होंने तो दरगाह को भी नहीं छोड़ा, वहीं पर अपनी हैवानियत दिखा दी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।